पूजा हमारी हो गई है और पूजा होने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर और देख सकते हैं झंडा कितना सुंदर लहरा रहा है। सारे देश में खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। तो दिए जल चुके हैं और जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ मंदिर में अभी पूजा करने के लिए। जैसे कि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पीछे आप झंडा देख ही सकते हैं, हमारे राम जी का झंडा। तो इस तरीके से झंडा लहराया गया है और मैं आ गई हूँ अभी मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम है। मॉर्निंग में भाई सबसे पहले हम पूजा से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं मंदिर की ओर और आपको भी दिखाते हैं, बच्चे भी पूजा कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हर मनो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षापति मन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक संसार तो फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो गई है और पूजा होने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर और देख सकते हैं झंडा कितना सुंदर लहरा रहा है, श्री राम जी का झंडा। तो सभी को जय श्री राम। सारे देश में खुशी की लहरें दौड़ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और आज जो है राम जी आने वाले हैं, तो वही दिवाली मनाई जाएगी और घरों में दिए जलाए जाएंगे। लाइट्स तो हमारी कल ही लग गई थी, तो लाइटें लगा दी थी कल ही और आज दिए वगैरह जलाएंगे, त्यौहार मनाएंगे जैसे दिवाली मनाते हैं। दिवाली में राम जी घर आए थे तब जा कर के दिवाली मनाई जाती है, वैसे आज हमारे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा आज है, तो आज राम जी आ रहे हैं घर, तो इसलिए जो है आज हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाएगी। तो भाई आज मनाएंगे रात को दिवाली और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी जो तो है कार्तिकेय थोड़ी देर पढ़ाई कर रहा है, फिर मिलेंगे अभी थोड़ी देर में भी आपसे। तो रैली निकल रही है यहाँ पर, को देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ को और देखते हैं कि कैसा वहाँ का माहौल हो रखा है। तो राममय जगमग हम भी देख के आए, चलते हैं मार्केट और आपको भी दिखाते हैं। Thank you.
तो अभी गुब्बारे सज रहे हैं। गजब, जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय। खाने के लिए भी आ गए ना, कि कैसा आया, मजा आया मार्केट में आज, कैसा हुआ? राम नाम में सब मग्न हो गए हैं, है ना? कैसा हुआ, मजा आया? क्या खाने वाले तुम, क्या खा रहे हो? पागल, चीज बर्गर। चीज बर्गर खाएंगे, खाए गए। तो भैया ने भी सारे बलून से यहाँ सजा रखा है पूरा रेस्टोरेंट अपना मस्त तरीके से। तो फ्रेंड्स, भैया कह रहे कि खाना आपको कैसा लगा, तो खाना तो हमें भाई बहुत टेस्टी लगा है। तो यहीं पर को ये गली है, हनुमान मंदिर है यहीं पर सामने, और यहाँ पर इन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तो मुझे तो टेस्टी लगा भाई। तो आप लोगों को भी आना हो तो न्यू लग रहा मुझे, तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो चलते हैं घर की ओर और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो हम आ गए हैं भैया के यहाँ पे पकोड़े खरीदने के लिए, तो 30 रुपए की पाव। तो भैया के यहाँ पर तो मस्त वाली पकौड़ी बन रही गरम गरम, तो लेते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। तो बाजारों में तो आज मेला सा हो रहा है और मेले की तरह लग रहा है, जगमगा रहा है पूरा बाजार। और यहाँ पर तो भी देख सकते हैं क्योंकि ठंडा भी हो रहा है, तो इसलिए लोग जो है आग जला करके भी बैठे हुए हैं। और हमारे बच्चे तो वहाँ पर को हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब को पकौड़े लेकर के आएंगे। तो यहाँ से पकौड़े पैक करवा रहे हैं और फिर कल के तो पटाखे भी आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो भाई हमारी चल रही है चाय, और सब लोग भाई कोई चाय बांट रहा है, कोई कढ़ी चावल बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, तो सब अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो हम लोग भी आ गए थे आज मार्केट की तरफ को, और बहुत ज़्यादा ना भीड़ भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले चाय वगैरह पी लेते हैं भाई। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। हलवा मिल रहा है तो ले लो भाई। हमें प्रसाद में हलवा भी मिल गया है अब, तो हम हलवा लेकर के जा रहे भाई अब भर को। लास्ट में हमारे नाम का ही था वो हलवा भी। चलते हैं घर की ओर, फिर मिलते हैं आपसे। एक बार हम ना घर जाके भी आ गए थे, बच्चों को घर छोड़ के आ गए हैं, उसके बाद जाके थोड़ी देर के बाद हम फिर से आ गए हैं, और थोड़ा सा काम भी था हमें मार्केट में, और फिर हम झांकी देखने भी आ गए हैं। देखते हैं झांकी जा रही होगी कितना।
फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और घर पहुंचते ही ना अब हो रही है शाम की तैयारी। तो शाम के लिए हमारी बन रही है यहाँ पर, तो ये बन रही है अभी चाय। और यहाँ हम अभी दूध लेकर के आ गए थे, तो इस खीर बनाएंगे आज, क्योंकि भाई इतना बड़ा दिन है और यहाँ पर चने भी गए थे, तो आज चने की सब्जी बनाएंगे। तो भाई दिवाली मना रहे हैं तो त्यौहार तो बनाना बनता ही है। और ठंडा इतना ज़्यादा है ना बाहर की कहना नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। तो भाई लेकिन फिर भी ना मैं 2 या 3 बार मार्केट होके आ गई हूँ और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ये देखो मेरा इतना बोलने था, ये चली गई चाय, चली गई मेरी इस चक्कर में। तो ये आ गई मम्मी जी, आज मम्मी जी का व्रत भी है और आज टाइम से चाय नहीं मिली मम्मी जी को अभी। और क्या कहते हैं, जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली। और आज है दिवाली, चमकीला वाला, चमकीला वाला। और क्या कहते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन करेंगे आज मस्त तरीके से और दिए जलाएंगे घर में। तो अभी जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं टीवी में, तो बिल्कुल दिवाली मनाई जा रही है और राम जी के दर्शन भी हो गए आज। तो यहाँ भी देखे जा रहे थे और हम लोग ना अब जा रहे हैं मंदिर में। तो वही देख सकते हैं पूरा घर हमारा जगमगा उठा है इन लाइटों से और आज तो बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो उधर साइड में भी शायद एक मंदिर है, तो मंदिर भी जगमगा होता है, इधर भी देख सकते हैं। तो छत में चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं हम आपको बाहर के नज़ारे। लोग ना पूजा करने के लिए भी जा रहे हैं, तो छत में पूजा वगैरह पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको बाहर के नज़ारे। सब आ गए हैं पूजा करने के लिए, तो पूजा हो रही है घर में, पहले पूजा कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो दिए जल चुके हैं और दिए ना आप सब जगह ये पटाखे भी ले आए हैं, इनको पटाखे दिखाने की हो रही है। ये हैं हमारे दिए की, सब जगह दिए जलाएंगे, दिए लगाएंगे और जगमग करेंगे घर को। दिवाली जगमगाहट हो गई है, जगमगाहट। तुलसी में भी हम लोगों ने जो है ना दिए जला दिया है और यहाँ तुलसी की माता की भी पूजा करती है, तो वैसे तो ठंडा लग रहा भाई तुलसी माता को। तो ये हमारे श्री राम जी और ऊपर देख सकते हैं चंदा मामा जी को, चंदा मामा भी बहुत अच्छे से निकले हुए हैं और यहाँ पर भी दिए जले हुए हैं और सभी के घरों में आप देख सकते हैं, यहाँ से सभी के घरों में दिए से जगमगाहट आप ये देख सकते हैं। ये देखिए वहाँ पे भी जगमगाहट हो रही है, इधर देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं बच्चों की खुशी और बच्चे तो भाई फुलझड़ी जला रहे हैं और दिवाली मना रहे हैं। वहाँ वाले घर में भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं और वहाँ पर भी लाइट्स लगाई गई हैं, ये देख सकते हैं बच्चों को ये जला दिए हैं सभी जगह। और यहाँ भी अभी मोमबत्तियाँ वगैरह लगा रहे हैं, जला रहे हैं, तो सभी जगह ना दिवाली का जश्न मना हुआ है, देख ही सकते हैं आप सभी घरों में, तो बहुत ही शानदार लग रहा है। तो दिवाली की जगमगाहट देख सकते हैं आप और शानदार लग रहा है सब जगह। दिए जल चुके हैं घरों में, दिए जल चुके हैं, ये देख सकते हैं, वाह शानदार। मेरा कुकर मुझे बार बार बुला रहा है, सीटी दे देगी कि मैं भाई हो चुका हूँ, तू आ जाओ। तो भाई इसको भी बंद करते हैं और देखते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भी जल गया, Yeah.
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गजब मजा आ गया भाई, बढ़िया भाई। तो खीर बन करके रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, धुआं निकल रहा है अभी भी। और यहाँ पर कुछ चने की सब्जी भी बन करके रेडी हो गई है, और इसमें हम निकालेंगे अब गैया के लिए रोटी। तो गैया के लिए रोटी निकालते हैं, इसमें पहले सब्जी डालेंगे और थोड़ी सी खीर, जो चीज़ें बनाते हैं वो सब कुछ गैया के लिए निकाला जाता है पहले, फिर उसके बाद और लोग खाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, मेरे को बहुत डर लगता है। दामिनी को देखो कैसे पटाखे फोड़ रही है, कर रहा है रिकॉर्ड, तुम्हारा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। रुको अभी लो, तुम्हारा भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। वहाँ हो गई भड़म, तुम्हारी नहीं हो पाई अभी तक। देखो दामिनी को, दामिनी ने फोड़ दिया। अरे बाप रे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना पीना चल रहा है अभी, और मैं खा रही थी खीर। तो इतनी अच्छी हो रही ना खीर, क्या ही बताओ, मतलब प्रसाद ना बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है भाई। तो इससे पता चल रहा है कि भाई, इससे पता चल रहा है कि भाई मतलब भगवान जी का जो प्रसाद होता है ना, वो कितना टेस्टी होता है। तो वही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है, और ना सब्जी वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। तो सब्जी तो हमने खाई ली है, तो खीर बची थी तो वो खा रही थी मैं भी। तो खाना पीना खाते हैं और आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वेरी गुड, बाय बाय, वेरी गुड।